नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में। आपके साथ मैं हूं रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी खबर इलाकाई खबरों से जानकारी और अपडेट लेना चाहते हैं छोटी बड़ी पल पल की, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर प्रेम वाजपेयी लिखकर और घंटी दबाएं, ताकि आपकी खबर का मैसेज आप तक पहुंचे और आप खबरों से रूबरू हो सकें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे के माध्यम से दिखाई दे रही हैं, ये जनपद सीतापुर के स्थानीय विकास खंड मुख्यालय रेवसा कस्बे की तस्वीरें हैं, जो अपने आप में एक विकास की जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए विकास की पोल को खोलती हैं और अपने आप में उनको मुंह चिढ़ाती नज़र आ रही हैं तस्वीरें। इस तरीके से ये तस्वीरों के माध्यम से जानकारी होती है कि तत्कालीन से लेकर और अब तक किस प्रकार से वोट लेने के बाद अपने जिम्मेदारियों के प्रति और विकास के प्रति और जनता के प्रति कितना हमदर्द रहे। ये तस्वीरें बयां करती हैं खुद ब खुद अपनी। कस्बा एक स्थानीय अपने बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बरसात में नदियों का तालाब गली और कूचे ले लेते हैं, जो कि अपने आप में तस्वीरों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। घरों से निकलते ही लोगों को पानी झेलना पड़ता है। समुचित पानी निकास की कोई भी व्यवस्था रेवसा में नहीं है, जिसके लिए झमाझम बारिश में लबालब गलियां भर जाती हैं। घर से निकलते ही लोगों को पानी का दंश झेलना पड़ता है। यहां तक कि घरों में पानी भरने के बाद सुबह लोग उलझते नज़र आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। काफ़ी एक दयनीय स्थिति बनी हुई है और ये आम कोई बात नहीं है। अभी ज़ोरदार झमाझम बारिश में आप देख सकते हैं किस कदर से ये गलियां लबालब दिखाई दे रही हैं। बाढ़ और माडल का तालाब के रूप में देखी जा रही हैं। ये स्थानीय कस्बा रेवसा का विकास है। तत्कालीन से लेकर लोगों का स्थानीय कहना भी है कि तत्कालीन से लेकर और अब तक किसी ने इस गंभीरता को गंभीर रूप से नहीं लिया गया। अगर यहीं नाली की समुचित पानी निकास की व्यवस्था होती तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन ज़रा भी किसी ने नहीं सोचा। जब इलेक्शन आता है तो लालीपाप दिखाते हैं, वोट लेकर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और दोबारा झांक के नहीं देखते हैं लोगों की क्या मुसीबतें हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ज़रा भी उनको ध्यान नहीं रहता, सिर्फ अपनी जेबें भरने में मदमस्त रहते हैं। ज़रा भी ये नहीं सोचते कि पब्लिक ने हमको सहयोग किया है और विकास के उस पर ज़रा भी नहीं मुड़ के देखते हैं। ये आलम है स्थानीय कस्बा रेवसा का, जहाँ पर पूरे बस्ती में जल ही जल थोड़ी सी बरसात में दिखाई दे रहा है। पूरे कस्बे में महिलाएं और बच्चे और बुज़ुर्ग पानी का दंश झेलते हैं अनवरत, लेकिन समुचित व्यवस्था आज तक नाली और निकास का निर्माण नहीं हो पाया, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आलम है स्थानीय कस्बा रेवसा का। आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं कि किसी की भी निगाहें और नज़रों पर पट्टी चढ़ी नज़र आ रही, लेकिन लोगों को अब कुछ लोगों को उम्मीदें जगी हैं कि हो सकता है कुछ विकास हो। लेकिन अब ये देखना ये है कि जैसा कि रेवसा बदलाव चाह रहा था, पब्लिक बदलाव चाह रही थी, बदलाव भी करके दिखाया, लेकिन अब देखना है ये कितना कारगर साबित होते हैं, विकास के प्रति कितना साजिंदा है।
नवनिर्वाचित प्रधान। अब बात गर्व की है, अब देखना ये है क्या गुड़ खिलाते हैं जो इस जलभराव से निजात दिला पाते हैं। नाली नालियों का, गली कूचों में जो भरा जल है, इसका लोगों को निजात दिला पाते हैं या नहीं, अब देखना ये है। आप पूरी तस्वीर और पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं किस कदर से पूरे कस्बे की तस्वीरें हैं स्थानीय कस्बा रेवसा की, जहां पर ये अपने आप में विकास की पोल खोलती हैं तत्कालीन से लेकर अब तक, और अभी तक कोई समुचित विकास नहीं है। वहीं पर स्थानीय लोगों के द्वारा इस जल निकासी और जल भराव से निजात दिलाने की बात